क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या फाहद के पापा ने इंसल्ट की आपकी? वो बुजुर्ग इंसान क्या इंसल्ट करेगा मेरी। उसे तो जैसे ही पता चला कि हम असगर की तरफ से है, फौरन भाग गया ऑफिस से। तो कसम से साकिब ने रोक लिया, वरना वो तमाशा बनाती ना उसका वहां पे। बुजदिल इंसान ऐसे ही होते हैं बेटा, जो किराए के गुंडों से औरतों पे वार तो करवा सकते हैं, लेकिन उनका सामना नहीं कर सकते। खैर, अब तुम में से कोई भी किसी से कोई बात नहीं करेगा। दानी फहद को होश आ गया है। थैंक गॉड। क्या मैं मिल सकता हूँ उसे? नहीं, अभी नहीं। अब इसकी हालत ऐसी नहीं है, हम उसे रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर तुम उससे मिल लेना। थैंक यू यार, थैंक यू। फहद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसमें मेहनाज आपी की जिम्मेदारी आ गई है, और जिसकी वजह से मैं अब शादी नहीं कर सकती। तुम चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इंतज़ार करो। और कब तक इंतज़ार करोगे? तुम्हारा इंतज़ार जो है ना, मैं अपने और तुम्हारे बुढ़ापे तक कर सकता हूँ। और वैसे भी इंशाल्लाह तब तक तुम्हारी ये जिम्मेदारियां खत्म हो ही जाएंगी, है ना?